हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। तो उसमें पहला क्वेश्चन बना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके आपको चार पॉइंट तैयार कर लेने हैं, आपको कितने? चार पॉइंट। उसके बाद में फिर देखो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर आपको लेंथेनोइड्स का भी करना है इसमें तैयार, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन देखना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके स्ट्रक्चर्स तय करने, ओनली जितने भी है इसके अंदर। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में जितनी भी रिएक्शन होंगी ऑक्सीडाइजेशन वो पूरी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखना है उसी का, फिर उसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इतना कर लीजिए। यस, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। नाइन्थ है पोटेशियम पर मैग्नेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, इनकी आपको रिएक्शंस तैयार करने हैं आपको, ठीक है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। उसके बाद फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन कर लीजिए उसका, एंड कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉज भी कर रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। फिर इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनका आपको इफेक्ट्स तैयार करने हैं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ चार ही पॉइंट तैयार करने हैं इसके, ज़्यादा करने हैं, सिर्फ चार पॉइंट इसके। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए आपके डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें से बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए,